बड़ी दूर बर्फी लो डांडा ले। मानशु आज कुकिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। आज देहरादून की एक हिडन प्लेस में जाके हम कुकिंग करेंगे, सो स्टे ट्यून। और हमारे साथ है सुधांशु, अखिलेश भैया एंड गोबी भाई। सो सुधांशु, आर यू एक्साइटेड? आई एम वेरी मच एक्साइटेड ब्रदर। ये जो हिडन प्लेस है, इसको सही बताऊं तो हमने अपने स्कूल डेज में डिस्कवर किया था। ओके। मैं सुल्लू है, अभी मिलाएंगे उनको आपसे। तो हम स्कूल डेज में स्कूटर में, चेतक स्कूटर था मेरे पास, हम उसमें जाया करते थे। तो आज बहुत टाइम बाद उस जगह में जा रहे हैं एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि वो जगह कैसी है, बहुत दिनों से नहीं गए उस जगह में। तो लेट्स सी व्हाट, कैसा रहता है कैसा नहीं। बाकी दोस्तों देखते हैं वहाँ पे रश, वो वैसे आज संडे है। निशांत, टैक्सी, ओ कैमरामैन, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। यहाँ पे हमारे पास फिलबट्टा है, जिसमें हम होल कोरिएंडर डाल लेंगे, होल कोरिएंडर, क्यूमिन, जीरा, कोरिएंडर। ये धोते हुए भी तो डालेंगे ना, धोते हुए भी तो डालेंगे। तो देखिए हमने पतीला अच्छे से गर्म कर लिया है चूल्हे में, अब इसमें हम सरसों का तेल ऐड कर लेंगे। हम बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर लेंगे। देखिए कहानी ऐसी है कि ये जो प्याज है इनको अच्छे से भून लेना है। थोड़ा सा नमक आप ऊपर से डाल दीजिए, टमाटर आपके जल्दी गल जाएंगे। देखिए अनियन टमेटो अच्छे से बेक डाउन हो गए हैं यहाँ पे। अब ये जो ग्रेवी है थोड़ी सी हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। थोड़े से हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो वेजिटेरियन है, तो आप यही मसाला यूज करो बस। यहाँ पे चिकन रेडी हो गया है, अब इसमें हम चॉप्ड धनिया डाल देंगे। और यहाँ पे हमारे पास पुदीना है, थोड़ा सा पुदीना इसमें ऐड कर लीजिए, इसको मिला लीजिए। और ये हमारा पहाड़ी चिकन रेडी। अब हम सब यहाँ पे पहाड़ी चिकन का लुत्फ़ उठाएंगे। हमने चावल बना दिए हैं ऑलरेडी, और पहाड़ी चिकन और चावल तो हम खाएंगे। पोते तो बनाना, बड़ी मुश्किलों के बाद मैंने इतना बढ़िया चिकन बना दिया। पोते तो बहुत बढ़िया। ये फिर मास्टर शेफ वैली कुक। पनीर डालो, पनीर
ज्यादा निकालना तेरे बोलो। निशान कबाड़ी वाले कबाड़ी वाले कबाड़ी वाले तो ये चिकन को अच्छे से भून लेना है। इसकी खुशबू बहुत प्यारी आ रही है, पर वैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, पर खुशबू बहुत अच्छी लग रही है। एक दो तीन भाई, एक क्रिएटिव बंदा है।